And this one too, Jai. This one. सारे सबूतों के आधार पर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि जय कुमार प्रसाद पे लगाए आरोप सब सही हैं। दिस कोर्ट सेंटेंसेस जय कुमार प्रसाद टू 7 years रिग्रेस इंप्रिजनमेंट। सॉरी यार, जल्दी जल्दी मैं गीजर बंद करना भूल गया था। अगर मेरा ध्यान नहीं जाता ना तो धमाका पक्का था। ऑफिस से घर भागना पड़ता और सोसाइटी वाले हंगामा करते अलग। थैंक्स यार, अब रूममेट होने का कुछ तो फायदा है। या राइट। हे, पार्था ने मीटिंग रखी, बुलाए, लेट्स गो। मिलिंद, श्रीराम, मैं चाहता तुम्हारी टीम ही इस क्लाइंट पे काम करे। देखो टीआर के पिचकरगी की बात पक्की है, लेकिन ये अकाउंट हमें मिलना चाहिए। कोर बजट कितने तक का है? क्लाइंट बड़ा है, एनुअली 10 करोड़ तक जाएगा। और नेगोशिएशन के क्या चांसेस है? जहां तक मैं जानता हूँ टीआर के 8.5 करोड़ से कम कोर करेगी। दैट मींस हमारा कोटेशन उनसे कम होना चाहिए। एक काम करो, 8 करोड़ से शुरू करो और 7.5 करोड़ में डन करो, लेकिन इससे कम नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर योर टीम कैन क्रैक द डील। डेफिनेटली। मैंने ये खत आपको इसलिए लिखा है कि शायद आप नहीं जानते कि आपकी कंपनी का एक एम्प्लॉई अपना असली नाम छुपाए हुए है। वो एक क्रिमिनल है, पैरोल पर बाहर आया है, तब से फरार है। उसका नाम है मिलिंद रेगे। बाहर आते ही उसने अपना नाम और आइडेंटिटी बदल दी। उसका असली नाम है जय कुमार प्रसाद। And this one too, Jai. This one. This court sentences Jai Kumar Prasad to 7 years regress imprisonment. अगर आपको लगता है कि ये मजाक है तो नीचे लिखी वेबसाइट पर चेक कीजिए, सच पता चल जाए।
पीकेएनडी ग्रोथ के जनरल मैनेजर देवेंद्र पार्थसारथी का सर चकरा गया था एक साल से उनकी कंपनी में काम कर रहे मिलिंद रेगे के बारे में, एक ऐसे एम्प्लॉय के बारे में जिसकी काबिलियत पर उन्हें पूरा भरोसा था। उसके बारे में उन्हें एक बेनाम खत मिला। उस खत के मुताबिक मिलिंद जेल से फरार एक मुजरिम था और उसने अपनी पहचान बदल ली थी। क्या यह किसी जुर्म की सच्ची दस्तक थी या फिर किसी का कोई मजाक? यस पार्था, क्या हुआ? आवाज इतनी टेंस क्यों थी? हाँ, मैं थोड़ा टेंशन में हूं। तुम मिलिंद को कब से जानते हो? मिलिंद को 10 महीने से, यहाँ ज्वाइन होने के 2 महीने बाद से वो मेरा रूममेट है। मिलिंद रेगे, MBA फ्रॉम पुणे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। एड्रेस पुणे का है, किसी दूर के रिश्तेदार का। माँ बाप दोनों 12 साल पहले गुजर चुके हैं और तब से किसी अंकल और आंटी के साथ रहता आया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सच है? हाँ, आप यही सब तो उसने मुझे बताया है। लेकिन बात क्या है, आप ये सब क्यों पूछ रहे? ये लेटर पढ़ो। इस लेटर के मुताबिक मिलिंद रेगे का असली नाम है जय कुमार प्रसाद और ये है उसका असली चेहरा। क्या लगता है, सच होगा? विश्वास नहीं होता है, खुद भी अप्रैंक। इस लेटर में ना तो नाम है, ना एड्रेस है, ना सिग्नेचर और ना ही कोई तारीख। ऑलराइट, थोड़ा टेंशन में आ गया था तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। तुम उसके काफ़ी करीब हो और उसके रूममेट भी हो। देखो श्रीराम, अभी उससे कोई बात मत करना। ओके। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन ये लेटर, ये फोटोग्राफ, विश्वास तो नहीं होता लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकते। मिलिंद प्रोफेशनल, इफिशिएंट है, रिलायबल है, इसलिए मैं उससे सीधे सीधे पूछताछ भी नहीं कर सकता। मैं इन्वेस्टिगेट करवाता हूं, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू सर। मिलिंद? हाँ। तो किसी जय कुमार को जानता है? जय कुमार प्रसाद? नहीं तो, कौन ही है? नहीं जानता ना। इट्स ओके, मुझे लगा शायद जानता होगा। लेकिन ये है कौन, ये तो बता, और अचानक से सवाल क्यों? अरे है कोई मेरे जान पहचान वाला, सोचा तू भी जानता होगा उसे। आर यू क्रेजी श्रीराम, कहना क्या चाहता है तू? कुछ नहीं। पिछले एक साल में हमारे 12 लोगों की टीम मेंबर्स ने आपके कॉल्स हैंडल किए, लेकिन अब हमें ये टीम बढ़ानी होगी क्योंकि इन्फ्लक्स ऑफ कॉलर्स भी बढ़ रहे हैं। कॉस्ट भी बढ़ेगा पर मार्जिनली। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस। सॉरी 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 एवरीबॉडी, मैं लेट हो गई, बैंगलोर ट्रैफिक है ना। सॉरी एवरीबॉडी, मिलिंद सॉरी। हां इट्स ओके। जाहिर है कि सर्विस प्रोवाइडर्स और क्लाइंट्स के बीच में ये एक इशू बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपके और हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को नजर में रखते हुए ये फासला तो हमें कम करना ही होगा, राइट? हेलो मिलिंद, मिलना है, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, आधे घंटे में पहुंचूं तुम्हारे ऑफिस? नो 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 नो, मैं तुम्हारे ऑफिस के पास नहीं हूँ। एक काम करते हैं, MG रोड पर मिलते हैं कॉफी शॉप में, एंड यू हैव 10 मिनट्स। ओके ठीक है, अभी पहुंचता हूँ। हाय रेनू। हाय। सीधे मुद्दे पे आती हूँ,
मैंने यहाँ तुम्हें किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए नहीं बुलाया है। फिर 3 महीने हो गए मिलिंद, तुम्हारी तरफ से कोई पहल ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही पहल कर देती हूँ। अजीब लगेगा बट इट्स ओके, लड़की होकर भी मैं प्रपोज कर रही हूँ। बॉस, कभी फैंटेसाइज किया था कि एक लड़की तुम्हें ऐसे प्रपोज करेगी? थैंक यू। 6th कॉफी डेट मिलिंद, कब तक वेट करूं तुम्हारे हायाना का? चलो मैं ही प्रपोज कर देती हूँ। विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड्स है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रेनू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यही ना कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी या अभी भी है? जो भी है, व्हाटएवर, टेल मी। तुम मुझे ठीक से जानती नहीं हो रेनू। कम ऑन मिलिंद, तुम क्या हम्पी के खंडर हो जिस पर रिसर्च करनी पड़ेगी? मेरा एक अतीत है। वाओ, टेल मी। नो, लेट मी गेस, तुम कोई और हो। नाम और चेहरा बदल के जी रहे हो, है ना? डॉन 1, डॉन 2, डबल रोल। बहुत फिल्में देखी है मैंने डबल रोल की। सॉरी, टेल मी, व्हाट इज योर पास्ट? मिलिंद रेगे का एक अतीत था और वो अतीत क्या था ये कोई नहीं जानता था। क्या ये वही अतीत था जो एक बेनाम खत की सूरत में कंपनी के जनरल मैनेजर तक पहुंचा है? क्या अतीत से छिपते फिरते मिलिंद को उसका ही अतीत ढूंढते ढूंढते आ पहुंचा है? क्या मिलिंद रेगे ही जय कुमार प्रसाद है? I just want to Jay. Yeah, sure. जैसे कि डिफेंडेंट जय कुमार प्रसाद ने कहा कि उन दोनों के बीच जो हुआ है वो उनकी मर्जी से हुआ, ये सच नहीं है। सारे सबूतों के आधार पर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि जय कुमार प्रसाद पे लगाए आरोप सब सही हैं। दिस कोर्ट सेंटेंसेस जय कुमार प्रसाद टू 7 years रिग्रेस इंप्रिजनमेंट। क्या था जय कुमार प्रसाद का सच और उसका मिलिंद रेगे के साथ क्या संबंध था? क्या ये दो नाम, दो चेहरे एक ही इंसान के थे? I won't be able to make it. Got to finish my assignments. We'll be traveling down south. Yeah, but I don't want to go alone. What's your schedule, Jay? Hey, I got my assignments coming up next month. So, can you go along with Alice? Yeah. Where are you planning to go? Next week. You know, I have covered most of the places in near Mumbai, but this one, Vagai, is near Saputara in Gujarat. All the regions where the Vali style of painting are original from. When next week? Every time is fine with me. I just need 3 days. I really need to go. 14th onwards? Yeah, that'll be perfect. That's fine for me. Great. Okay. All your problems got sorted. Yeah, sure.
Hello. Hi, Jay. Yeah, Alice. Ordering dinner. Come over. Okay, sure. Hi. Hello. Come in. Feeling so hungry and tired. I already ordered some local food. I hope it's gonna be good. It should be. Like some wine? Yeah, sure. I wouldn't mind that. Okay. Did you know, Jay, that this painting takes us back to 2500 BC? What do you say? Yeah, really. And they use only the simple things, like triangle, square, things like this. Only simple things. Strange. I mean, people back then knew so much about it. And it's only because of observing the nature. Like, for example, circle represent the sun and the moon. Did you know that? Hats off to those people to do such amazing things. I'll show you one. You want to see? What's that? Yeah, the paintings. Look at this. Square, triangles. This one's much more better than that. Yeah. Beautiful. Hello, ma'am. Thank you. Thank you, sir. So? Yeah? You're going back after completing your thesis? Not if something holds me back. What would hold you back? I don't know. You know, I like it here. Maybe I'll go and then come back again. And you? What are you gonna do? Going back to Calcutta after you get your master done? Maybe. Or maybe I stay back in Mumbai. How about Steve? What is he planning? I don't know. He's just not too sure. Let's eat. What happened? Oh, come on, Jay. Come on. I think you're high. Come on. Jay, what are you doing? Come on, stop it. Come on, Jay, please stop it. Stop it, Jay! What are you doing? Stop, Jay! Stop it! Stop! I said stop! Sorry, Alice. Alice, I'm really sorry. Alice! Alice, please listen to me, Alice. Alice! Alice, open the door, Alice! Alice, please open the door, Alice! Alice, please open the door, Alice! I'm sorry, Alice. Please forgive me, Alice. Alice, please open the door. Please, I beg you, Alice. Alice, please open the door, Alice. Alice, please open the door, Alice. I'm sorry, Alice. Alice, open the door, please. सीधे सीधे पूछताछ करते हैं मिलिंद रेगे से लगता तो है जैसे जैसे इसका कोई लेना देना ऑफिस के दोस्त श्रीराम के साथ रहता है एड्रेस है मेरे पास चलो मिलिंद रेगे ऑफिस गया होगा घर पर तो नहीं है उसका फोन नंबर मिलिंद रेगे अभी आए नहीं हैं हम अंदर चेक करेंगे सर मोबाइल स्विच ऑफ है किसने खबर तो नहीं कर दी उसको नहीं तो मैं उसे इन्फॉर्म क्यों करूंगा मैं तो खुद ये लेटर लेकर पुलिस के पास आया था मैं ऐसा क्यों करूंगा और कौन कौन जानता था इस बारे में और श्रीराम श्रीराम तुमने इस लेटर के बारे में मिलिंद से कुछ बात की थी क्या हाँ बस वो तो मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछा था
कि क्या वो जय कुमार प्रसाद को जानता है? जय कुमार प्रसाद और मिलिंद रेगे, कुछ तो कनेक्शन है। और वो क्या है ये कोई तो जानता है, और कोई बहुत करीबी होगा, तभी तो उसने ये बेनाम खत लिखा है। जय कुमार प्रसाद और मिलिंद रेगे, इनकी जानकारी खुद का निकालनी होगी। अगर उसने सचमुच अपनी आइडेंटिटी बदली है तो कहना पड़ेगा बहुत सफाई से बदले। सर, मैं अहमदाबाद पुलिस से बात करता हूँ, हमें पता करना होगा कि पैरोल के बाद आखिर वो गायब हुआ कैसे। मिलिंद रेगे के जितने भी करीबी दोस्त हैं सबकी जानकारी चाहिए मुझे। या तो कोई ऐसा है जो सचमुच मिलिंद रेगे के चेहरे से नकाब उतारना चाहता है, या फिर दुश्मनी निकाल रहा है। ये दूसरा वाला एंगल कुछ कमजोर नजर आता है क्योंकि वो खुद गायब है। कुछ तो है जो वो छिपाना चाहता है। मिलिंद रेगे लापता था और ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो बेनामी खत लिखा किसने था। पिछले 8 सालों से फरार मुजरिम जय कुमार प्रसाद और मिलिंद रेगे, इनके बीच कोई कड़ी मिलती सी लगती थी। ये विसल ब्लोअर कौन था जिसने खत लिखा था? क्या ये वाकई दो चेहरों और दो आइडेंटिटीज का केस था? हेलो, लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट, पुलिस हेडक्वार्टर्स, PSI कृष्णा भट्ट, क्राइम ब्रांच बेंगलुरु। हाँ जी, बोलिए। हमें जय कुमार प्रसाद नाम के एक आदमी के बारे में जानकारी चाहिए। उसे रेप केस में अरेस्ट किया गया था और अहमदाबाद कोर्ट ने 7 साल पहले सजा सुनाई थी। ये बात है 2005 की। हमें उस केस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पता लगाता हूँ। ठीक है, आप मेरा सेल नंबर नोट कर लीजिए। हाँ, बोलिए। नहीं, मैं मिलिंद के अंकल और आंटी से कभी नहीं मिला, बस बातें सुनी है। वो मिलने आते थे पर मिलिंद कभी उन्हें घर पर लेकर नहीं आया। पुणे के रहने वाले वो? यस सर। उसका एड्रेस भी है उसके बायोडाटा में, ये देखिए। हम लोग उधर ही जा रहे हैं, एड्रेस मिल गया है और वो सर्टिफिकेट का फैक्स भी मिल गया हमें। तुम्हारे अलावा और कोई खास दोस्त? सर ज्यादा तो कुछ पता नहीं, पर एक लड़की है रेनु गावड़ा, काफी क्लोज थी उससे। रेनु का नंबर क्या है, इस वक्त काम लेगी? नंबर तो पता नहीं, पर हमारा एक क्लाइंट है दुर्ग फाइनेंस, वो वहां काम करती है। ये जनार्दन और यशोधरा रेगे यही रहे थे ना, कहाँ है वो? ये कौन है? मैंने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना। ये घर रेगे का है ना? नहीं, ये तो निम्बलकर का घर है। वो देखिए बोर्ड, और वो तो एक हफ्ते के लिए कोल्हापुर गए हुए हैं, यहाँ कोई रेगे नहीं रहते। बोलिए गायकवाड़ साहब। मूर्ति साहब, मिलिंद रेगे के बायोडाटा में जो एड्रेस है वो झूठा है, वहाँ पे कोई रेगे नहीं रहता है। ललोचा है। हम लोग अभी PMI जा रहे हैं, जहाँ के MBA सर्टिफिकेट का फैक्स आपने भेजा था। ठीक है, हो सकता है वहाँ पर भी ऐसा ही हो। सर, वघई गुजरात के उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे पुलिस इंस्पेक्टर प्रताप गोहिल, वो कल सुबह फोन करने वाले हैं, तब सारी डिटेल्स मिल जाएगी। गुड। एक और बात सर, जय कुमार प्रसाद जब पैरोल से गायब हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन भी गोहिल ने की थी, बाद में उनको उस केस से हटा दिया गया था। अगर नहीं हटाया गया होता तो जय कुमार प्रसाद तभी पकड़ा जाता। ऐसा लगता है कि कल सब पता चल जाएगा। ये रेणु गोड़ा का क्या हुआ? सर वो आती होगी। मिलिंद रेगे की कोई खबर? सर मोबाइल अभी स्विच ऑफ है, लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही। एयरपोर्ट, हाईवे टोल नाका, रेलवे स्टेशन, सब जगह अलर्ट कर दिया है, लेकिन लगता है अब तक बाहर नहीं आया। सारे होटल्स भी चेक करो। सर ₹2009 का स्टूडेंट है जी। आप लोग एक मिनट बैठिए, मैं चेक करता हूँ। ये लेटर अभी ने भेजा था? नहीं। आप और मिलिंद अच्छे दोस्त हो? नहीं,
पहले थे लेकिन अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्ती तोड़ने की कोई तो वजह होगी। पर्सनल है, बताना जरूरी नहीं समझती। इस लेटर के मुताबिक मिलिंद रेगे है ही नहीं, जय कुमार प्रसाद है, जिसे एक रेप केस में सजा हो चुकी है, परोल पे छूटा और पिछले 8 साल से लापता है। मेरा एक अतीत है। वाओ। मिस रेणु गौड़ा, आप कुछ जानती हैं इस बारे में? नहीं, बस इतना जानती हूँ कि मिलिंद रेगे का कोई पास था। और उसने अपने पास के बारे में आपसे कुछ नहीं बताया? नहीं, कभी नहीं। देखिए, मैं उसे चाहने लगी थी, अच्छा लड़का था, मैंने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन हमेशा मुझसे दूर दूर रहता था। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता था कि मेरा पास्ट है, लेकिन उसने अपने पास्ट के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। कुछ समय बाद मुझे लगने लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। अब जब कोई इंसान अपने बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? सॉरी, 2009 में मिलिंद रेगे नाम का हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं था, और ये जो फोटो है, ये लड़का भी हमारे यहाँ कभी नहीं रहा। सर, MBA सर्टिफिकेट नकली है, मिलिंद रेगे कभी उस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट था ही नहीं। और पुणे के अंकल आंटी, वो भी एक झूठ है। अब तो अहमदाबाद के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गोहिल साहब के फोन का इंतजार है, तभी कुछ पता चलेगा। सर, हो सकता है वो अपने घर जाके छुप के बैठा हो। और उसका असली पता हमारे पास है नहीं। ये बंदा परोल से भागा, इतने सालों तक किसी के हाथ नहीं लगा, कहीं तो किसी से इसको मदद मिली हो, शायद सिस्टम से। मिलिंद, तुम कुछ बताते ही नहीं हो, बस कहते रहते हो कि पास्ट है, पास्ट है। रेनू एक लड़की थी। थी मतलब इट्स ओवर ना? क्या प्रॉब्लम है मिलिंद, तुम उसे भुला नहीं पा रहे हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई गहरा रिश्ता नहीं था, पर हम दोनों के बीच कुछ हुआ था रेनू, ऐसा कुछ जो होना नहीं चाहिए था। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं तुम्हें। जस्ट टेल मी द ट्रूथ, सच बोलो, दैट्स इट। सच मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा रेनू, बड़ी मुश्किल से इन सबसे बाहर आया हूं मैं। मिलिंद, तुम सच बताना चाहते हो या नहीं? पता नहीं। सर, परोल से भागने के बाद 6 महीने तक हमने जय कुमार प्रसाद को ट्रैक किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। सर, किसी ने मदद की होगी, नाम बदल लिया, फरार हो गया। अगर जय कुमार प्रसाद ही मिलिंद रेगे हैं, तो फिर मुझे कोई हैरत नहीं कि वो दोबारा भाग गया होगा। PSI कृष्णा भट्ट क्राइम ब्रांच बेंगलुरु। PI प्रताप गोयल स्पेशल सेल। जय कुमार प्रसाद केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं ही था। सर, एक मिनट, मैं मूर्ति सर से आपकी बात करवाता हूँ। सर, अहमदाबाद से गोयल साहब का फोन। नमस्कार गोयल साहब। नमस्कार मूर्ति साहब। जय कुमार प्रसाद को मैंने ही अरेस्ट किया था, और परोल से भागने के बाद का केस भी मेरे ही पास था। अजीब बात है, इतने सालों से वो नाम बदलकर, आइडेंटिटी बदलकर चैन की जिंदगी कैसे जी सकता है? सच कहूं, बड़े बाप का बेटा है वो, उसके बाप के हाथ बहुत लंबे हैं, तभी तो 8 साल पहले ऐसे गायब हुआ जैसे कोई मिस्टर इंडिया हो। आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। केस क्या था और परोल से कैसे छूटा? और ये बड़ा बाप कौन है जिसने उसे बचाया और हाथ नहीं आने दिया? ऐसे कैसे गायब हो सकता है? बहुत लंबी कहानी है मिस्टर मूर्ति। एक बेनाम खत जिसने रहस्यों से भरा पिटारा खोल दिया, और एक के बाद एक सच बाहर आने लगे। एक आदमी, दो नाम, दो पहचान, दो चेहरे। एक चेहरा जय कुमार प्रसाद, जो 8 साल पहले परोल पर बाहर आया और गायब हो गया, और दूसरा चेहरा मिलिंद रेगे, जो इस खत के आते ही गायब हो गया। एक सजा काटता मुजरिम गायब है,
और एक इंसान जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल है वो भी गायब है। पुलिस को अब तलाश है मिलिंद रेगे की, क्या वो पहुंच पाएगी उस जय कुमार प्रसाद तक। कई कड़ियां लेकिन उनका एक सिरा दूसरे से नहीं मिलता, और इन कड़ियों को जोड़ता इस केस का दूसरा भाग हम लेकर आएंगे कल रात 11 बजे।